हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप सब लोग। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर लूनर क्रश के बारे में बहुत सारे लोगों को जो डाउट है वो आज क्लियर करेंगे हम सब। तो सबसे पहला हम डाउट जो क्लियर करेंगे वो है वीकली बोनस का। तो वीकली बोनस का है वो आप देख लीजिए कि वीकली बोनस मुझे कितना मिला था। मैं अभी लेवल 1 में आ चुका हूँ वापस। इसका रीज़न यही है कि मैंने विथड्रॉल ले लिया, लेकिन विथ वीकली बोनस जो मैं लेवल 2 में 1 वीक तक मैंने वर्क किया तो मुझे इतना वीकली बोनस मिला था। और डेली बोनस अलग से मिलता है। जब वीकली बोनस मिलता है तो डेली बोनस पहले अलग से मिलेगा और वीकली बोनस अलग से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी मेहनत करी और फिर मैंने 35 लूनर कर दिए और फिर विथड्रॉल करा, लेकिन उससे पहले मुझे वीकली बोनस मिल गया था। तो आज हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ जो 35 लूनर करे उसके बाद। तो 35 लूनर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब मैंने 35 लूनर, मेरे 38 लूनर हुए थे, तो 38 लूनर मैंने जब एक्सचेंज करे तो 34 लूनर मेरे अकाउंट में आए। और फिर मैंने सबसे पहले 1 लूनर ट्रांसफ़र करा, तो 1 लूनर ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई जो देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ये प्रॉब्लम मुझे आई 4:03 को, लेकिन 15 मिनट के बाद जैसे ही मैंने विथड्रॉल लिया तो मेरे अकाउंट में आ गया। तो फ्रेंड्स, लूनर ने बीच में थोड़ी ऐसी करी थी, लेकिन वो संडे के दिन, इनका ये प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि संडे इनको जब सबको देते हैं वो वीकली रिवॉर्ड तो होता है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन हो जाता है। और फिर दूसरा कि आप 35 लूनर अब कर लेते हो, और 35 लूनर करने के बाद अगर आप विथड्रॉल ले लेते हैं तो उसके बाद आपको ये यूज़ करना है कि नहीं, ये भी आज हम बताएंगे। तो आप सबको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी है ना वो ये है कि 35 लूनर होने के बाद मैंने जैसे ही विथड्रॉल लगाया तो मुझे अब ये मैसेज आने लगा है कि यू नीड 5 लूनर टू क्लेम। अब जिसने एक बार विथड्रॉल ले लिया है उसको अब दूसरी बार लूनर में अब मेहनत करनी है जो लेवल 1 में है। ऐसा नहीं है कि आप लेवल 2 में जाकर ही विथड्रॉल ले सकते हैं या कुछ ऐसा वैसा, बस आपको 5 लूनर करने हैं उसके बाद आप विथड्रॉल कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये मैंने सिर्फ 2 दिन में करे हैं, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं मैंने 26 तारीख को विथड्रॉल ली, सॉरी 26 तारीख को मुझे ये वीकली बोनस मिला था और 26 तारीख को मैं लेवल 1 में आ गया था। 26 और 27, ये 2 दिन की मेरी इनकम है, जो दोनों है वो मुझे अच्छे खासी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस वीक में भी मेरा 5 लूनर हो ही जाने वाला है तो विथड्रॉल ले लूँगा। मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि अब 5 लूनर ही करने हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों से मेरी यही एडवाइस है कि सब, जब तक कोई ज़रूरत ना है पैसों की तब तक तो आप होल्ड ही रखें, क्योंकि अगर आप होल्ड रखोगे धीरे 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 शायद इसकी नई पॉलिसी आएगी, और नई पॉलिसी आने के बाद ये ज़्यादा लूनर सप्लाई करने लगेंगे, और ज़्यादा लूनर सप्लाई करेंगे और आपका लेवल भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो आपको ज़्यादा वीकली बोनस मिलेगा, और ज़्यादा वीकली बोनस भी मिलेगा प्लस आपको ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। अभी इसका भाव यानी इसका रेट है ना थोड़ा डाउन है। इसका रेट है अभी 1.574 USD। अब आप देख सकते हैं अभी हमने आपको दिखाया कि 1.574 यानी 117 रुपये, 117 रुपये आपको मिलते हैं 1 लूनर के। आज आप अगर मेहनत भी करोगे तो 0.6 यानी अप्रोक्सीमेट 1 लूनर। अब आज आप एक दिन मेहनत करते हो तो आपको मिलते हैं 74 रुपये, और 74 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली मिल ही जाते हैं। तो चलिए, आपको पता चल ही गया होगा कि अब क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप जब तक पैसों की ज़रूरत ना हो तब तक लूनर को होल्ड करें और लेवल को बढ़ाने दें, क्योंकि लूनर वाले एक नए एक अपडेट लाते ही रहते हैं जिससे यूज़र्स को तकलीफ़ भी और फ़ायदा दोनों भी होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दूसरी बार हम वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहले आ जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।